और अब देहरादून से बड़ी खबर है। चारधाम यात्रा को लेकर सीएम धामिनी की समीक्षा बैठक, श्रद्धालुओं की संख्या को नियंत्रित करने के लिए निर्देश, तो टूर ऑपरेटर्स के लिए एडवाइजरी जारी करने के निर्देश जारी किए गए हैं। धार्मिक आध्यात्मिक स्थलों के लिए डायवर्जन प्लान तैयार किया गया है, साथ ही सम्मान के साथ श्रद्धालुओं से व्यवहार करने के आदेश भी। तो धामों में बिजली पानी की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश भी मुख्यमंत्री धामी की तरफ से। तो देहरादून से बड़ी जानकारी आपको बता रहे, चारधाम यात्रा को लेकर खुद सीएम धामी नजर बनाए हुए हैं और इस दौरान समीक्षा बैठक में ये तमाम निर्देश उनकी तरफ से दिए गए। चारधाम में अत्यधिक पूरे देश के लोगों का आना हो रहा है, श्रद्धालु तीर्थयात्री बड़ी संख्या में आ रहे हैं और अभी चारधाम यात्रा पूरी तरह से व्यवस्थित हो गई है। लेकिन ये जरूर है कि पिछले सालों की तुलना में ये जो आने वाले श्रद्धालु हैं वो दुगने से भी ज्यादा हैं और बहुत सारे श्रद्धालु ऐसे हैं कि जो अपने अपने राज्यों से यहाँ आ गए हैं और इसी केस में रुके हैं, कुछ हरिद्वार में है, कुछ विकास नगर में है, उन्होंने हॉल्ट किया हुआ है। अपना प्रयास है कि जो लोग यहाँ पहुंच गए हैं जैसे ही वहां ऊपर व्यवस्था बनती है तो उनके भी दर्शन करवाए जा रहे हैं स्टेप बाय स्टेप और अलग अलग तीन चार चरणों में अभी तक लोगों को भेजा गया है। आने वाले समय में हमारा अभी यह है कि भाई जो रजिस्ट्रेशन करने वाले लोग हैं उनके सबसे पहले दर्शन हो और दर्शन सबके सुरक्षित हों, अच्छे से हों, यही प्रयास किया जा रहा है। रास्तों में कहीं पर जो गंदगी है वो भी न हो, क्योंकि जहां पर हमारे होल्डिंग वाले स्थान हैं उन स्थानों पर ज्यादा समय तक रुकने के बाद काफी जो सामान है वो भी इकट्ठा हो जा रहा है। पेयजल की व्यवस्था अच्छी हो उसके लिए आज हम एक समीक्षा बैठक भी कर रहे हैं। बहुत सारे स्थानों से ये समाचार आया है कि बीच में बिजली बीच बीच में कट जा रही है, तो बिजली की व्यवस्था भी दुरुस्त रहे। तो बता दें कि चारधाम यात्रा लगातार जोरों पर है और ऐसे में श्रद्धालुओं की भीड़ भी यहां पर उमड़ते हुए खासा उत्साह देखा जा रहा है, लेकिन व्यवस्थाओं को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। संवाददाता रोहित डिमरी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। रोहित, एक तरफ चारधाम यात्रा जोरों पर, श्रद्धालुओं में खासा उत्साह, इस उत्साह के बीच सीएम धामी भी खुद चारधाम यात्रा को लेकर नजर बनाए हुए, समीक्षा बैठक में तमाम बड़े निर्देश। जैसे कि मैं आपको बताना चाहूंगा, चारधाम यात्रा में जो तीर्थयात्री है उनका भारी हुजूम उमड़ रहा है। केदारनाथ धाम की हम बात कर लें तो कल 35,000 से ज्यादा तीर्थयात्रियों ने बाबा केदार के दर्शन किए हैं, आंकड़ा अब तक 3,20,000 के पार पहुंच चुका है। जो पहली बार हुआ है कि 10-12 दिन के भीतर ही इतनी बड़ी संख्या में तीर्थयात्री केदारनाथ धाम पहुंच रहे हैं। और सबसे ज्यादा दिक्कतें जो हो रही है वो सोनप्रयाग सीतापुर बैरियर में हो रही है। यहाँ पर जो तीर्थयात्रियों का हुजूम है, यहाँ पे जो पार्किंग है वह यहाँ पे अब थोड़ा बहुत अव्यवस्थाएं फैल रही है, क्योंकि कह सकते हैं यहाँ पे जो वाहनों का जो दबाव है वहां देखने को मिल रहा है। इतनी बड़ी संख्या में पार्किंग में जगह भी नहीं है, इसके अलावा जो यात्रा का तो चारधाम यात्रा को लेकर समीक्षा बैठक मुख्यमंत्री की तरफ से बुलाई गई, जिसमें तमाम निर्देश यहां पर व्यवस्था को लेकर दिए गए ताकि जो श्रद्धालु हैं उन्हें किसी भी तरह की दिक्कत ना हो। रोहित, अब समीक्षा बैठक तो यहां पर कर ली गई है, तमाम निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं और अब इन निर्देशों को धरातल पर किस तरह से अंजाम पहनाया जा रहा है? बताना चाहूंगा कि 31 मई तक जो है ऑफलाइन को भी बंद कर दिया गया है, क्योंकि भारी संख्या में तीर्थयात्री जो है केदारनाथ धाम, बद्रीनाथ धाम और गंगोत्री की ओर आ रहे हैं। ऐसा में कह सकते हैं प्रशासन और प्रशासन स्तर पर जो व्यवस्थाएं हैं वह बीच बीच में लटका दे रहे हैं। कह सकते हैं कि जगह जगह जाम की समस्या, तिरुवगर रिश्ता का जो प्रवेश द्वार है तिरुवगर वहीं से ही जाम की समस्या बन रही है और इलाके ऐसे कई इलाके हैं जहां पर जाम की समस्या से लोग परेशान है। बिल्कुल रोहित, ये इस बार की तस्वीर नहीं बल्कि हर बार चारधाम यात्रा के दौरान हम देखते हैं, चाहे वो पार्किंग की व्यवस्था हो या जाम जैसी स्थिति हो, ये हर बार तस्वीर जो है वो देखने को मिलती है। हालांकि अब हालातों को लेकर खुद सीएम धामी जो है नजर बनाए हुए हैं, निर्देश भी जारी किए गए हैं कि जो प्लान है वो यहां पर रूट डायवर्जन को लेकर बनाया जाए, तो अब क्या माना जाए कि स्थायी समाधान यहां पर हो पाएगा और श्रद्धालुओं को जाम जैसी स्थिति से दो चार नहीं होना पड़ेगा? जैसे कि मैं बता दूं कि सबसे बड़ी समस्या क्या है, राजमार्ग जगह जगह पर खतरा है, ऐसे में दिक्कतें पैदा हो जाती है। रिश्ता के अंदर के तिरुवगर से लेकर
कुंड से लेकर कहीं ऐसे अस्थान डेंजर पॉइंट है जहां पर अभी भी समस्या का समाधान नहीं हो पाया। ऐसे कई बाईपास जैसे कि रुद्रप्रयाग जनपद में ही 3 बाईपास बन रहे हैं, अभी तक एक भी बाईपास बनकर तैयार नहीं हुआ। तो ऐसे भी कहीं दिक्कतें कह सकते हैं, जाम की समस्या हो रही है। इसके अलावा गौरखुंड से 5 किलोमीटर का पैच है जहां पर बड़ी संख्या में आजकल ये जो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, तो वहां पर मार्ग संग्रह होने के चलते जो यात्रियों की बड़ी संख्या में भीड़ दिख रही है, जबकि यात्रा में कह सकते हैं कि 30 से 35 हजार के। ठीक है रोहित, फिलहाल बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो समीक्षा बैठक के बाद तमाम निर्देशों को धरातल पर उतारने के लिए प्रशासन जुटा है। और इस बीच देहरादून से बड़ी खबर, चारधाम यात्रा से जुड़ी बड़ी जानकारी। आपको बता दें ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन पर सरकार ने लगाया प्रतिबंध, तो ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन पर 31 मई तक प्रतिबंध लगाया। पिछले 4 दिनों से बंद थी ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था और अब ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है कि 31 मई तक रजिस्ट्रेशन पर प्रतिबंध लगाया गया, क्योंकि जिस तरह से श्रद्धालु की संख्या दिनों दिन बढ़ती जा रही थी उसको लेकर ये बड़ा फैसला कि भीड़ को नियंत्रित किया जा सके। तो चारधाम यात्रा से जुड़ी ये बड़ी जानकारी, श्रद्धालुओं से जुड़ी ये बड़ी खबर है। तो जो लोग चारधाम यात्रा पर निकलने की सोच रहे हैं, तो ये बड़ी जानकारी आपके लिए है कि ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन पर सरकार ने फिलहाल प्रतिबंध लगाया है, 31 मई तक ये प्रतिबंध जारी रहेगा। तो ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। तो वहीं रुद्रप्रयाग पहुंचे केदारनाथ यात्रा के प्रभारी सचिव और आर राजेश कुमार ने व्यवस्थाओं का जायजा लिया। 3 दिवसीय भ्रमण पर पहुंचे प्रभारी सचिव ने पहले दिन सिरोबगर टेंजर जोन का निरीक्षण किया, इसके बाद जिला अस्पताल और शहर का पैदल भ्रमण कर प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया। इस मौके पर प्रभारी सचिव ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि चारधाम यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं को कोई परेशानी और असुविधा नहीं होनी चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन की ओर से दी जा रही सभी व्यवस्थाओं का आकलन भी किया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा भी लगातार निर्देश दिए गए हैं कि अधिकारी ज्यादा से ज्यादा फील्ड में रहें और जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है उनके साथ समन्वय स्थापित करें और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के दृष्टिकोण से अगर स्टेट लेवल पे विभागों के साथ कहीं पर भी दिक्कत आती है तो समन्वय स्थापित करें। इसी के मद्देनज़र मेरे द्वारा ये 3 दिन का जो रुद्रप्रयाग का भ्रमण है वो स्थापित किया गया है और इसमें स्वास्थ्य सचिव होने के साथ साथ जो बिजली पानी इत्यादि की जो मूल समस्याएं हैं, अगर चारधाम यात्रा के दौरान कोई ऐसी कोई दिक्कत आती है तो मेरे द्वारा संबंधित शासन में जो सचिव हैं रिस्पेक्टिव उनको भी अवगत कराया जाएगा और इसका सोल्यूशन निकाला जाएगा। और अब रुद्रप्रयाग से बड़ी खबर, वीआईपी गेट पर धरने पर बैठे पंडा समाज के लोग। तो केदारनाथ धाम में वीआईपी दर्शन पर रोक लगाने की मांग, वीआईपी दर्शन के विरोध में तीर्थ पुरोहितों ने दिया धरना। तो मंदिर समिति के खिलाफ पंडा समाज के लोगों में नारेबाजी जो है वो यहां पर देखने को मिली, तो लोगों में नाराजगी है। तो रुद्रप्रयाग से बड़ी जानकारी आपको बता दें, तो वीआईपी गेट पर धरने पर बैठे पंडा समाज के लोग का उनमें ये नाराजगी वीआईपी दर्शन पर रोक लगाने को लेकर देखी जा रही है। तो वीआईपी दर्शन के विरोध में तीर्थ पुरोहितों ने यह धरना दिया है। दरअसल आपको बता दें कि जिस तरह से भीड़ जो है वो लगातार